खरगोन जिले में मरकज ग्रुप के तत्वावधान में एक रक्त शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रुप के सदस्यों ने रक्तदान करके लोगों में जागरूकता का परिचय दिया है। हम आपको बता दें कि कोरोना जैसी घातक बीमारी और लंबे समय के लॉकडाउन काल के अस्पताल के ब्लड बैंकों की रक्त की कमी आ गई है। ऐसे में लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मरकज ग्रुप के सदस्यों ने सराहनीय पहल की है और शिविर का आयोजन करके ब्लड डोनेट किया है। इस दौरान ग्रुप के सदस्यों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि लॉकडाउन के बाद लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता लाना ही हमारे शिविर का मुख्य उद्देश्य है, जिसके निश्चित तौर पर लोगों में जन जागृति आएगी, जिससे रक्त की कमी को दूर किया जाएगा और यह प्रयास लगातार जारी रहेगा। खरगोन से अजित तिवारी की रिपोर्ट। ब्लड डोनरों की संख्या कम हुई है और COVID-19 की वजह से बहुत कम लोग इसके लिए ब्लड दे पा रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये जो ब्लड की कमी आ रही है तो इसके लिए हम लोगों के लिए जागरूकता पैदा करें और मरकज ग्रुप और गुलशन पॉलीक्लिनिक के सहयोग से हमने आज 20 डोनर इकट्ठा किए और हम रोज डेली एक डोनर भेज रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये जो कमी आ रही है और बहुत ज़्यादा जरूरत की पर महसूस हो रही है। अभी समाचार पत्रों में पिछले कुछ दिनों से देख भी रहे हम कि ब्लड की कमी पड़ रही है, मीडिया में आ रहा है बार बार, तो हमने चाहा कि इसको आगे बढ़ाएं और इसके लिए हम कुछ सहयोग करें। तो हम कोशिश निरंतर कर रहे हैं कि जवान बच्चों में इसके लिए जागरूकता जागे और इस चीज़ को वो आगे बढ़ाएं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करें, जिससे ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी हो। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि लोग इसके लिए आगे आएं और लोगों की मदद करें, क्योंकि ब्लड किसी मशीन में नहीं बनता, आप लोगों के सहयोग से ही बनता है और आप लोग सहयोग देंगे तो ही एक बीमार व्यक्ति की खिदमतदारी और उसकी सहयोग हो सकेगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा आसिफ खान नाम है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।